हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो HF डीलक्स BS6 मॉडल है, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए टोटल बॉडी लगा हुआ है दोस्तों, और इसका क्रैंक को कैसे फिटिंग करना है, जैसे कि आप फुल इंजन खोले हो तो इसका क्रैंक कैसे फिटिंग करना है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि बिना पुलर में आपको क्रैंक को कैसे बिठाना है। ठीक है, जैसे कि ओल्ड मॉडल का बाइक में क्रैंक इजीली चला जाता है चैम्बर के अंदर, लेकिन इस बाइक में नहीं जाता है, जो कि BS6 मॉडल में नहीं जाता है दोस्तों। BS6 मॉडल का डीलक्स बाइक में नहीं जाता है, तो इजीली आप 2 मिनट के अंदर कैसे फिटिंग कर सकते हो इसका, जो चैम्बर में क्रैंक को कैसे फिटिंग कर सकते हो वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। आप देख सकते हैं, देखिए मैं फिटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसके अंदर नहीं जा रहा है, जो चैम्बर के अंदर ये क्रैंक ही नहीं जा रहा है, जो कनेक्टिंग है वो नहीं जा रहा है दोस्तों। तो इसको ईजिली कैसे आप बिठा सकते हो, चलिए मैं आपको भी बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि बिना पुलर में ठोक पीट भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि कोई कोई लोग क्या करते हैं, इसको ठुका पिटी करते हैं, जो हथौड़ा का यूज करते हैं, जो हैमर का यूज करते हैं, हैमर का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए आपके पास एक गन रहना चाहिए, हीट गन रहना चाहिए, हीटर गन रहना चाहिए। ये जो हीट गन है आप देख सकते हैं, इससे मैं इसको फिटिंग करने वाला हूँ दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे फिटिंग होगा, लेकिन इसके अंदर इस साइड में नहीं, क्या जो चैम्बर है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, इस जगह पर हीट करेंगे ऐसे राउंड राउंड करके। ठीक है, जैसे इसको गर्म करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इजीली इसके अंदर क्रैंक चला जाएगा दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तो पूछना हो तो जरूर कमेंट करें दोस्तों। अब देख सकते हैं मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, ऐसे करके हीट करना है दोस्तों। अब कम से कम 2 मिनट तक ऐसे करके घुमाना है, गर्म करना है, आपका हीट गन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी ये गर्म हो चुका है दोस्तों, लगभग ख़त्म हो गया, 2 मिनट हो गया है, और थोड़ा सा मैं इसको हीट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। उसके बाद इसके ऊपर में मैं क्रैंक को लगाऊंगा तो चला जाएगा दोस्तों। देखिए मैं इसको हीट गन को साइड पे रख दिया, उसके बाद देखिए मैं अभी क्रैंक को लगाने वाला हूँ, इजीली इसके अंदर चला जाएगा, जो कि चैम्बर के अंदर इजीली चला जाएगा दोस्तों। अब देख सकते हैं, देखिए मैग्नेट साइड इजीली नहीं जाता है, देखिए मैं रख दिया हूँ, इजीली अभी चला जाएगा, देखिए अंदर चला गया दोस्तों, इजीली लग गया। ऐसे करके आप लगा सकते हो, ठीक है, और ऊपर से बिना पुलर में या हीट नहीं करके आप लगा नहीं सकते, क्योंकि नहीं लगेगा दोस्तों, टाइट में जाता है। तो टाइट में आप ठोक का पिटी करके लगा दोगे तो क्या होगा, इसका जो क्रैंक है वो टेढ़ा हो जाएगा दोस्तों, उस टाइम आपका मैग्नेट कॉइल को भी ख़राब कर सकता है, मैग्नेट भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, घिस घिस के। तो इसलिए ऐसे करके आप फिटिंग कर सकते हो, देखिए ये सिंपल ट्रिक है दोस्तों, ईजिली बिट गया, ऐसे करके आप बिठा सकते हो, ईजिली बैठ गया दोस्तों। आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जड़ बाइक का भी ऐसे करके बिठा सकते हो, या ड्रीम योगा बाइक का, लीवो बाइक का ऐसे करके बिठा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।